मैं माशाकर सर, आपका माशाकर केमिस्ट्री में स्वागत है। मैं आज के लिए लेकर आया हूँ कार्बन कंपाउंड्स का एक सबसे बढ़िया यूनिट, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, आज जानते हैं हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है द कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। जिस कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट्स होते हैं, जिस कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट होता है, एक होता है कार्बन और दूसरा होता है हाइड्रोजन। जो कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम से बने हुए होते हैं, उस कंपाउंड का हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, सबसे सिंपलेस्ट अगर हाइड्रोकार्बन कौन सा है तो वो है मीथेन, जिसका फार्मूला है CH4, जिसमें आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन दो ही एलिमेंट इसके अंदर है। ठीक है बच्चों, जिस कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। उसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ओपन चेन, जिसे हम कहते हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स, साथ ही साथ उसे तीसरा नाम है एसाइक्लिक कंपाउंड, यानी कि उसमें साइकिल नहीं होता है। जिसमें साइकिल नहीं होता है और वो ओपन चेन होता है, साथ ही साथ उसमें कार्बन एक दूसरे को सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे कंपाउंड का हम कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है बच्चों, जिसमें साइकिल नहीं होता है, जिसमें कार्बन एक दूसरे को स्ट्रेट चेन या ब्रांचड चेन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, उस कंपाउंड का हम कहते हैं ओपन चेन और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स उसमें और दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, यानी कि ए साइक्लिक में दो टाइप्स होते हैं। साथ ही साथ दूसरा टाइप है क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। क्लोज्ड चेन कंपाउंड उसे हम कहते हैं रिंग चेन कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड, जिसमें पर्टिकुलर क्या होता है, साइकिल कंपलसरी उसके अंदर होता ही है, यानी कि कार्बन कार्बन एक दूसरे को जुड़ते हैं और साइकिल का फॉर्मेशन करता है, या रिंग फॉर्मेशन करते हैं या क्लोज्ड चेन फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम क्लोज्ड चेन, रिंग और साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। जिसमें दो टाइप होते हैं, एक है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, पहला क्या होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा होता है एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें डिटेल हम बाद में देखेंगे। पहला हम देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, उसे क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, नोट पॉइंट थोड़ा देखिएगा, यहाँ पर क्या है, अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्केन को क्या कहते हैं हम, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि अल्केन में सभी कार्बन एक दूसरे को सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए अल्केन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। ठीक है, क्या है, CnH2n+2, यानी कि कार्बन का जो नंबर होता है उसमें डबल करके उसमें दो ऐड करना जरूरी है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन नंबर कितने, दो कार्बन है, दो को डबल कीजिएगा चार, उसमें दो मिलाओ यानी कि छः, यानी कि हाइड्रोजन कितना होता है, छः, यानी कि CH3, दैट इज द इथेन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इथेन, जिसमें आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन एक दूसरे को कैसा है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड एग्जांपल है ब्यूटेन, जिसमें चार कार्बन एक दूसरे को क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, यानी कि कार्बन कार्बन में क्या होना जरूरी है, सिंगल बॉन्ड होना जरूरी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रोपेन 1OL, यानी कि तीन कार्बन है और उसके ऊपर OL यानी कि OH ग्रुप उसके ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, तीनों कार्बन कैसे जुड़े हैं, एक दूसरे को सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, यानी कि ये कंपाउंड कैसा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसके बाद एग्जाम्पल है एसीटोन, CH3C OCH3। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, नहीं बच्चों, ये कैसा है, सैचुरेटेड कंपाउंड, क्योंकि इसमें क्या है, कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, इसलिए इसी कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन्स यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ये डेरिवेटिव्स है, ठीक है बच्चों। उसके बाद है एसिटिक एसिड CH3C OH, यानी कि इसमें कार्बन कार्बन कैसा है, सिंगल बॉन्ड, यानी कि एसिटिक एसिड जो है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स है, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जिस कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दोनों में से एक वहां पर होना जरूरी है, जब हम उसके कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है बच्चों। एग्जांपल देखते हैं इथीन, ETH ENE, ENE का मतलब क्या होता है, वहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कार्बन कार्बन कैसा है, डबल बॉन्ड यानी कि अनसैचुरेशन है, ठीक है। BUT2 ENE यानी कि इसमें चार कार्बन है और चार कार्बन उसके एक कार्बन के बीच में क्या होना जरूरी है, डबल बॉन्ड, यानी कि दो नंबर कार्बन के बाद डबल बॉन्ड वहाँ पर आता है, इसलिए इसको हम कहते हैं अल्कीन। क्या कहते हैं हम इसको, अल्कीन, क्यों, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है बच्चों इसमें। उसके बाद BUT1 YNE CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन क्या आया, ट्रिपल बॉन्ड, जिस कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। कंपाउंड कंटेनिंग एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है बच्चों। नोट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, अल्कीन एंड अल्काइन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्कीन जो फैमिली है और अल्काइन जो फैमिली है, ये दोनों क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं अल्कीन्स का मतलब क्या होता है, अल्कीन्स आर एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक यानी कि ओपन चेन है, उसमें कार्बन कार्बन क्या होता है, अनसैचुरेशन होता है। कंटेनिंग एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसमें कम से कम क्या होना जरूरी है, कम से कम उसमें एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है, ठीक है, जिसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n, यानी कि कार्बन की नंबर जो होते उसके दुगना क्या होता है वहाँ पर, हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन नंबर अगर दो हो गया, हाइड्रोजन चार, यानी कि दो से दो गुना यानी कि चार, यानी कि C2H4 दैट इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन, दैट इज नथिंग बट इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसका स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है बच्चों। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ओलिफिनिक लिंकेज। क्या कहते हैं इसको हम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कहते हैं ओलिफिनिक लिंकेज, ठीक है बच्चों, इसको भी ध्यान में रखिएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसे हम इथीन कहते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 जिसे हम प्रोपीन कहते हैं, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2 यानी कि चार कार्बन है और एक डबल बॉन्ड पहले नंबर कार्बन के बाद, यानी कि BUT1 ENE, इसका नाम क्या बोलते हैं हम, BUT1 ENE, ठीक है बच्चों, इसका नाम हम लिखते हैं यहाँ पर BUT1 ENE, इसका नाम क्या है, प्रोपीन PROPENE, इसका नाम क्या है, इथीन ETHENE, ठीक है बच्चों। उसके बाद है अल्काइन्स। अल्काइन्स किसे कहते हैं, अल्काइन्स आर एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। जो एलिफैटिक होता है यानी कि ओपन चेन होता है, उसमें अनसैचुरेशन होता है और अनसैचुरेशन में क्या होता है, वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वहाँ पर होता है, जिसका जनरल फार्मूला है CnH2n-2, यानी कि कार्बन के दुगुना करना है और उसमें से दो हाइड्रोजन माइनस करना है, यानी कि फार्मूला C2H2। फर्स्ट मेंबर क्या है, एसिटिलीन। अल्काइन का फर्स्ट मेंबर क्या है, एसिटिलीन इज द फर्स्ट मेंबर। स्ट्रक्चर क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन, जिसे हम कहते हैं इथाइन। क्या नाम है उसका, इथाइन, जिसे हम YNE सफिक्स से एंडिंग करते हैं। डबल बॉन्ड है तो एंडिंग हम ENE से करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका एंडिंग हम YNE से करते हैं, ठीक है बच्चों, आगे हम नॉमनक्लेचर में देखिएगा, ठीक है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि मतलब है इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब ये अल्काइन है, तीन कार्बन की मतलब प्रोप है और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब YNE है, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपाइन। उसका कॉमन नेम क्या है, मिथिल एसिटिलीन। ये ट्रिपल बॉन्ड को हम एसिटिलीन कहते हैं,
साथ ही साथ यहाँ सी एस थ्री इसे हम मिथिल कहते हैं, इसलिए क्या हो गया मिथिल और ये बाद में क्या हो गया एसिटिलीन। कॉमन नेम क्या है मिथिल एसिटिलीन और आईयूपीएसी नेम क्या है प्रोपाइन। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक नोट पॉइंट है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है वो क्या होता है मोर रिएक्टिव होता है, जिस किससे ज़्यादा होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से वीक होते हैं, जल्द से जल्द ब्रेक होते हैं, इसलिए वो मोर रिएक्टिव होते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं हम अल्केन्स का मतलब क्या होता है। अल्केन्स आर एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी कि ओपन चेन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन एक दूसरे को सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, जिसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2, यानी कि कार्बन से दुगना करके उसमें दो ऐड करना जरूरी है। ठीक है, एग्जांपल हम देखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी कि इथेन, यानी कि ANE जो सफिक्स है सिंगल बॉन्ड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, CH3 CH2 4 times CH3 यानी कि ये 4 और ये 2 कितने हो गए 6 कार्बन, 6 का मतलब हेक्स होता है, सिंगल बॉन्ड का मतलब ANE, यानी कि नाम क्या हो गया हेक्सेन। ठीक है, आगे जाकर हम नॉमेनक्लेचर में डिटेल देखेंगे क्या है वो सब मतलब। ठीक है, उसके बाद देखते हैं साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड हमने देखा है साइक्लिक कंपाउंड रिंग कंपाउंड और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें दो टाइप्स होते हैं बच्चों, एक है एलीसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा होता है एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब पहला देखेंगे हम एलीसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, यानी कि इसमें कंपलसरी साइकिल होना जरूरी है। कंपाउंड कंटेनिंग साइकिल हैविंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड इट्स प्रॉपर्टीज रिसेम्बल्स विथ एलीफैटिक कंपाउंड, जिसका प्रॉपर्टी एलीफैटिक कंपाउंड से जुड़े हुए होते हैं और जिसमें साइकिल होता है, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं एलीसाइक्लिक कंपाउंड। जनरल फार्मूला जो होता है उसका CnH2n, यानी कि कार्बन का दुगना हाइड्रोजन यहाँ होता है, मिनिमम इसमें 3 कार्बन अगर हो तभी जाकर साइकिल बनता है, यानी कि एलीसाइक्लिक का फर्स्ट मेंबर क्या है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन इज द फर्स्ट मेंबर। ठीक है, फार्मूला क्या है CH2 CH2 CH2, जिसे हम अनादर वे इस तरीके से भी ट्रायंगल की तरह दिखा दिए तो हर कॉर्नर को CH2 है बच्चों, इसलिए ये क्या हो गया साइक्लोप्रोपेन। साइकिल होने की वजह से नाम से पहले हम प्रफिक्स क्या जोड़ते हैं साइक्लो वर्ड जोड़ते हैं, 3 कार्बन होने की वजह से प्रोप होता है, सिंगल बॉन्ड की वजह से ANE, नाम क्या हो गया साइक्लोप्रोपेन। सेकेंड एग्जांपल है CH2 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 CH2, यानी कि 4 कार्बन है साइकिल है, साइकिल का मतलब साइक्लो, 4 कार्बन का मतलब ब्यूट, सिंगल बॉन्ड का मतलब ANE, नाम क्या हो गया साइक्लोब्यूटेन। ठीक है बच्चों, समझ में आया साइक्लोब्यूटेन। उसके बाद हम देखते हैं ये अनदर एग्जांपल, जिसमें C5H10 5 कार्बन की वजह से पेंट होता है, सिंगल बॉन्ड ANE होता है, साइकिल की वजह से साइक्लोपेंटेन। और सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आपके सामने है C6H12, कार्बन 6 है हाइड्रोजन 12 है, यानी कि हर कॉर्नर को CH2 6 मेंबर साइकिल है, इसे हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। क्या कहते हैं बच्चों से साइक्लोहेक्सेन। लास्ट क्लासिफिकेशन इसमें जो पार्ट है वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कंपाउंड कंटेनिंग साइकिल, कंपाउंड में क्या होना है साइकिल होना है, हैविंग वन बेंजीन रिंग, जिसमें एक बेंजीन रिंग होना जरूरी है, यानी कि हुज प्रॉपर्टी रिसेम्बल्स विथ बेंजीन, जिसकी प्रॉपर्टी बेंजीन से अगर जुड़ती है तो ऐसे हम कंपाउंड को क्या कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं बच्चों, जिसकी प्रॉपर्टी बेंजीन से जुड़ता है उसे हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। फर्स्ट मेंबर जो है उसका वो होता है बेंजीन, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6, यानी कि 6 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है। ठीक है बच्चों, इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं कैसा होता है, स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि 6 कार्बन एक दूसरे को साइकिल के अंदर जुड़े हुए हैं और उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, जिसे हम अल्टरनेट पोजीशन बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉन्जिगेशन सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको कॉन्जिगेशन सिस्टम। यहाँ पर देखते हैं सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 में क्या डिफरेंस है, 1 और 2 के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड है यहाँ सिंगल बॉन्ड है,
टू और थ्री के बीच सिंगल है, यानी कि यहाँ पर डबल है। पहले वाले में जहाँ पर डबल है वहाँ पर दूसरे में सिंगल है, जहाँ सिंगल है वहाँ पर दूसरे स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड, यानी कि ये दो डिफरेंट स्ट्रक्चर बेंजीन में हमें दिखाई देते हैं। इसी स्ट्रक्चर को मॉडर्न कंसेप्ट में हम ऐसा लिखते हैं जिसे हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है बच्चों, जिसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है, हर कॉर्नर को कार्बन और हाइड्रोजन है बच्चों, और अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। उसके बाद है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर होता है वो दोनों का मिक्सर करके अगर ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जो कि 100% बेंजीन की प्रॉपर्टी, यानी कि नियर अबाउट 80% बेंजीन की प्रॉपर्टी ये शो करता है, और आजकल हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है बच्चों। आपने देखा आज के लेक्चर में हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन, ठीक है बच्चों। अगर आज आप इससे अच्छा अगर वीडियो देखना चाहते हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कीजिएगा। थैंक्स।